हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले गति लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में रहा करता था, इसने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं मुझे। तो कितने रिटर्न्स है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और साथ साथ में मैं आपको इसके बारे में करंट जो इसके अपडेट्स है और जो कुछ है अभी, ये फिलहाल के लिए शेयर कैसा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका विकिपीडिया देख लेते हैं। तो विकिपीडिया इसके बारे में क्या बता रहा है देख लेते हैं। गति लिमिटेड इज इंडियन लॉजिस्टिक कंपनी, हेडक्वार्टर इन हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ये कंपनी है, और इट ऑफर सरफेस एंड एयर एक्सप्रेस लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग एंड सप्लाई चेन, एयर फ्रेट एंड ई कॉमर्स सर्विसेज। गति हैज ऑफिसेज इन ऑल मेजर स्टेट ऑफ इंडिया। तो गति लोगों को पता भी होगा, ये कुरियर कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी है, ठीक है। तो और इसका ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये इसका सर्विसेज चलता है, ठीक है। और यहाँ पर ये कब से है कंपनी ये भी देख लेते हैं कि 1989 से काफ़ी पुरानी कंपनी है फिलहाल। और यहाँ पर इसके की पर्सन बताया कि इसके सीईओ कौन है। अभी हम इसका शेयर देख लेते हैं, और सबसे पहले वेबसाइट दिखाऊंगा। तो वेबसाइट पे तो जस्ट एक कुरियर का, लॉजिस्टिक का वेबसाइट जैसे होता है वैसे है। इसके बारे में आपको जस्ट कैसे ये सारी चीज़ें की जाती है यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका प्रोफाइल भी है, मैनेजमेंट भी है, और बाकी सारी चीज़ें अगर आपको कोई आपका ट्रैक करना है, कुरियर ट्रैक करना है या लॉजिस्टिक का जो आपने शिपमेंट ट्रैक करनी है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। कुछ SMS अलर्ट्स मिल जाएंगे, और जो कुछ है यहाँ पर पिकअप पार्सल आपका पिकअप कराना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको आप करा सकते हो। तो मेन चीज़ें इनकी सर्विसेज के बारे में बताया कि किस तरीके की इनकी सर्विसेज है, ठीक है। और ये सब इनके सर्विसेज, स्पेशल सर्विसेज कौन से, ये भी बताया कि पर रेट क्या है, ये सारे रेट्स यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। पर केजी के हिसाब से या पर 5 KG के हिसाब से जो भी रेट है, ठीक है। तो बाइक एक्सप्रेस भी है इनका सर्विस में, तो सरफेस लाइट्स और एयर एयर शिपमेंट भी होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ये वेबसाइट पे देखने मिलेगी इनकी सर्विसेज किस तरीके की है। अभी हम फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी का शेयर कैसा ये देख लेते हैं मनी कंट्रोल पे। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल चालू किया मैंने, और यहाँ पर आप देख सकते हो गति लिमिटेड, इसका फिलहाल भाव चल रहा है 133.80 का चल रहा है भाव, और 104 का ये लो मार चुका है। वहाँ से ये 221 से काफ़ी नीचे आके यहाँ पर अभी फिलहाल 133 पे है, ठीक है। और फिलहाल लो से काफ़ी दूर है, ज़्यादा नज़दीक नहीं है, ठीक है, लेकिन हाई से काफ़ी दूर है ये, हाई से ज़्यादा ही गिरा है। और यहाँ पर इसमें स्ट्रेंथ वीकनेसेस की बात करेंगे तो 4 स्ट्रेंथ है, जिसमें इसका फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है ऐसा ये बता रहा है, कंपनीज विद अ स्ट्रांग फाइनेंशियल। और वीकनेसेस में ये बता रहा है कि नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली गिर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी एवरी क्वार्टर में इसके नेट प्रॉफिट गिर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी में बता रहा है कि रिकमेंडेशन दिया है ब्रोकर्स ने, अच्छा इसको रिकमेंड किया है, और कंपनीज वेयर सब्सटेंशियल शेयर प्लेज बाय इनसाइडर इन्वोक, ये बता रहा है कि ये कंपनी के शेयर प्लेज है, ये एक डर है। और मार्केट कैपिटल ये 1600 करोड़ की कंपनी है, 1650 करोड़ का, और इसका 20 डेज का एवरेज निकाला गया है, तो 32% लोगों ने डिलीवरी उठाई है, काफ़ी कम है फिलहाल, फिर भी ठीक है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है, पीबी इसका 2.69 का आ रहा है, और यहाँ पर इस पर इसका पी जो है, ठीक है, 191, काफ़ी महंगा पी आ रहा है इसका, ठीक है। तो ये करेक्शन इसी वजह से ज़्यादा चांसेस है ऐसे शेयर्स में वैल्यूएशन वाइज करेक्ट होने के, ठीक है। और इसके चार्ट हम फुल देखेंगे क्योंकि यहाँ पर मेरी जर्नी भी है इसके अंदर, इस वजह से मैं फुल आपको चार्ट दिखा दूंगा। तो कंप्लीटली यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस कब था, एंट्री कब थी, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिलहाल 1 साल के चार्ट देख लेते हैं, 1 साल में कंपनी ने किस तरीके का मूव किया है, परफॉर्म किया है। तो देख लो, अप एंड डाउन काफ़ी हुआ है, यहाँ पर एक काफ़ी डाउन मारा था इसने 120 का, और 120 से ये जो यहाँ पर ये 120
से पहले ये 120 का ही लो है, ये 23 अगस्त 2021 को, लेकिन ये जो हाई मारा है इसने लगभग 18 जनवरी 2022 को 221 का हाई मारा है, वहां से काफी फिर से गिर गया। देखो अप एंड डाउन शेयर में होते रहता है, तो वहां से देखो काफी गिर के ये इसका भाव बन गया 129 का लो, फिर वहां से फिर से ये हाई मारता है तो 194 का हाई मारता है, फिर से ये डाउन मारता है, अप एंड डाउन काफी बार हुआ है ये शेयर। तो इस वजह से ये ऐसे शेयर्स तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं ज्यादा तो चूज करता हूँ, लेकिन इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा था। पहले मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर्स लेता था, ठीक है। तो फिलहाल इसको जब मैंने लिया था तब क्या भाव था, ये भी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ये 5 साल के चार्ट में अगर वो भाव है तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो मुझे मैक्स का चार्ट यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर देख लो कि 5 साल के चार्ट काफी अप एंड डाउन हमको देखने मिल रहे हैं ये शेयर के अंदर, ठीक है। तो और यहाँ पर मेरी एंट्री कहाँ थी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ वो चीज़ कि जहाँ पर मेरी यहाँ पर ये शेयर में एंट्री थी, ठीक है। तो पूरा डेटा जो मेरे पास होता है वो डेटा के हिसाब से मैं बता देता हूँ। तो ये शेयर में मेरी एंट्री लगभग 19 मई 2017 में हुई थी, तो 19 मई 2017 यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अभी ऑलरेडी जुलाई चालू हो गया है। तो 19 मई 2017 यानी 5 साल के भी पुराना ये शेयर मेरे पास था, तो वो टाइम पे कितना था ये भी सीधा आपको बताने वाला हूँ। तो वहां से देखो फिर भी ये 5 साल में देखो थोड़ा सा अप गया था, फिर उसके बाद डाउन साइड गया, और इसने डाउन साइड जो मारा है लगभग 35 रुपये का ये 2019 में मारा, फिर से ये अप साइड गया, ठीक है। मतलब ये शेयर एक टाइम पे कितने का था, देखो 5 साल पहले ये 144 का शेयर डायरेक्ट 34-35 का हो जाता है। देखो इतना करेक्शन भी आ जाता है किसी भी शेयर में ये समझ लो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक थोड़ा अपसाइड आया, और उसके बाद फिर से एक बार डाउन साइड आया, और ये डाउन साइड लगभग वही 35 का भाव पे आ गया, ठीक है। तो ये कोविड के टाइम पे फिर से वही टाइम वही चीज हो गई उसके साथ, लेकिन यहाँ पे जिसने खरीदा वो काफी फायदा में पड़ गया क्योंकि ऑलरेडी 35 रुपये का शेयर ये लगभग बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 221 का शेयर बन गया, 35 रुपये से डायरेक्ट 221 का शेयर बन गया, यानी काफी अच्छे रिटर्न्स हर एक को मिले रहेंगे जिसने यहाँ पर बाय करके यहाँ तक होल्ड किया रहेगा उसको। फिर वहां से फिर करेक्शन थोड़ा आ गया ये शेयर में, ठीक है। और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो ये शेयर किस तरीके का परफॉर्म कर रहा था। तो फिलहाल ये 187 का लो से ये कंपनी स्टार्ट हो रही है 2006 से, और 87 के लो से स्टार्ट होके इसने एक हाई मारा था 216 का ये हाई, तो 216 के हाई से ये काफी गिर गया। देखो तो एक हाई मारने के बाद एक डर हमेशा रहना चाहिए कि यार कभी लो ना मार दे या गिरे ना जाए। तो 216 से डायरेक्ट शेयर बन गया 26 रुपये का, तो ये होता है करेक्शन, और ये 2008 की मंदी में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद ये शेयर देखो कंटिन्यूसली मतलब 216 का शेयर कितना बन गया, लगभग 2008 में ये बन गया 26 रुपये का। तो कुछ भी हो सकता है ये शेयर मार्केट है। फिर वहां से देखो शेयर ने थोड़ा सा 2008 के बाद फिर थोड़ा मूव करना चालू किया, और रिकवर होके 92 बन गया, फिर 92 के बाद फिर से गिरावट आ गई, इसमें फिर से 23 रुपये का शेयर बन गया, 23 के बाद फिर से और गिर के ये लगभग फिर से 23 का ही भाव यहाँ पर हमको नजर आ रहा है, 22-23 का भाव नजर आ रहा है। तो 22 के बाद यहाँ पर फिर से काफी ज्यादा इसने रिटर्न्स दिए, 342 के रिटर्न्स इसने 2014 में दिए, काफी अच्छे रिटर्न्स दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने खरीदा उसको ये फायदा हुआ, लेकिन वहां से ये शेयर देखो कंटिन्यूसली फिर गिरा, और गिर गिर के देखो ये जो लो फिर से इसने बना दिया काफी बेकार लो, ये 35 रुपये के भाव पे आ गया, यानी देखो 90% पूरा भाव गिर गया, यानी 342 का शेयर लगभग 35-34-35 पे आता है, यानी 90% पूरा शेयर गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने खरीदा फिर से उसको थोड़ा प्रॉफिट दिया इसने, मतलब अप एंड डाउन ये शेयर ने काफी किया है, ठीक है। तो फिलहाल मेरी एंट्री थी लगभग यहाँ पर 2017 में मई के अंदर, और मई में मैंने लगभग इसको कब लिया था ये भी दिखा देता हूँ। तो लगभग मैंने इसको बाय किया था 2017 में, 19 मई 2017 में मैंने इसको बाय किया, और यहाँ पर मैंने इसको ये मई में बाय किया, और तभी इसका भाव चल रहा था लगभग 135 पॉइंट पे लिया था कुछ, तो लगभग 136 के भाव पे लिया था राउंड ऑफ। तो 136 का भाव से ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्योंकि ये एक एक महीने का चार्ट है, तो एक महीने के अंदर इसका 136 का जब भाव था तब मैंने इसको लिया, और उसके बाद ये शेयर
कंटिन्यूसली गिरा, और गिरने के बाद ये लगभग मैंने उसको दोबारा इसको खरीदा, फिर से मैंने 2018 में भी खरीदा, 11 सितंबर 2018, तो 11 सितंबर 2018 में मैंने इसको दोबारा खरीदा। यहाँ पर सितंबर का चार्ट में आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मैंने इसको लगभग 97 के भाव पे खरीदा था, तो यहाँ पर 97 का भाव जरूर आपको दिखेगा। फिर उसके बाद ये शेयर फिर से और गिरा, तो अक्टूबर में फिर से 10 अक्टूबर 2018 को मैंने फिर से खरीदा, तो 10 अक्टूबर 2018 में मैंने इसको फिर से एक बार लगभग 74 के भाव पे मैंने खरीदा इसको। तो 74 के भाव से फिर इसके बाद थोड़ा बहुत उछाल मैंने डायरेक्टली, फिर उसके बाद तो काफी गिरा, लेकिन मैंने उसमें हाथ नहीं लगाया, ठीक है। तो काफी ये गिरा हुआ मेरा शेयर था गति एक टाइम पे। फिर उसके बाद ये शेयर देखो कितना हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 35 हो गया, मतलब लगभग वन मेरा इन्वेस्टमेंट देख लो 136 का कितना परसेंट, यहाँ पर मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाती है। तो मेरा 136 में से मेरा भाव 35 तक भी चला गया था, ठीक है। तो 136 में से अगर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कितने परसेंटेज इसने मुझे गिरावट दिखाई है, ठीक है। तो लगभग ये 75% ये मेरा शेयर गिरा था। तो 75% शेयर गिरने के बाद फिर मैंने इसमें फिर से और बाइंग चालू किया, और उसके बाद ये शेयर का भाव देखो, उसके बाद मैंने कंटिन्यू और लिया, तो उसके बाद ये 88 2020 में डायरेक्ट नवंबर से मैंने इसको लेना चालू किया, और नवंबर 2020 से मैंने इसको फिर से थोड़ा खरीदा, जब से ये थोड़ा मूव करने लगा, और मैंने उसको फिर से 85 के भाव पे 88-85 के भाव पे खरीद के, फिर उसमें से फिर मैं इसको डायरेक्ट 126 रुपये के भाव पे बेच देता हूँ। और मुझे रिटर्न्स कितने मिलते हैं ये बता देता हूँ, 18 मई 2021 को मैं इसको बेच देता हूँ, 18 मई 2021 में इसमें मुझे रिटर्न्स मिलते हैं लगभग लगभग, यहाँ पर रिटर्न्स मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे रिटर्न्स यहाँ पर बन के आ रहे थे लगभग 51% या 52%, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सारे चीज़ें कट के यहाँ पर लगभग 52% का यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया था। देखो काफ़ी होल्ड किया, लेकिन 75% लॉस पहले कवर किया, फिर 52% का मैंने प्रॉफिट लिया, तो वहाँ पर ये काफ़ी अच्छी बात होती है। तो मैंने लगभग इसको 120 यहाँ पर जो भाव पे मैंने बेचा ये बता देता हूँ, तो लगभग मेरे को ये बेचने के लिए काफ़ी टाइम लगा, लेकिन उसके बाद भी ये शेयर अभी भी आप देख रहे हो कि ये बढ़ा हुआ ही है, यानी अगर मैं रख भी देता तो अभी भी मैं प्रॉफिट में ही रहता, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स में तभी निकाल रहा था। तो लगभग मैंने इसको 126 के भाव पे तो निकाला, 26 यहाँ पर 18 मई 2021 को मैंने इसको निकाला था, तो उसके बाद भी ये शेयर काफ़ी बढ़ते गया, और बढ़ बढ़ के ये भाव इसका बन गया था 221 का। तब तक मैं और भी रखता तो शायद और मेरे रिटर्न्स अच्छे आते, लेकिन मार्केट का भरोसा नहीं होता है, ये शेयर का भी भरोसा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी बार अप एंड डाउन किया हुआ शेयर है, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लालच कम होना चाहिए, जितना रिटर्न्स मिले उसमें खुश होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल जो पॉलिसी है, जो मेरे प्लान्स है, उस हिसाब से इसने मुझे रिटर्न दिए और ये शेयर में से मैं निकल गया, ठीक है। उसके बाद अभी के लिए ये शेयर कैसा है, ठीक है, ये तो मेरे जर्नी रही, लेकिन इसके बाद अभी फिलहाल ये शेयर रिटर्न्स में किस तरीके का है, और यहाँ पर कौन कौन इसके बिग शार्क इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर के नाम यहाँ पर बताए हैं, मुकुल महावीर जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, मुकुल अग्रवाल का इन्वेस्टमेंट कितना है, मैथ्यूज इंडिया फंड का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो ये सारी चीज़ें इस पर दिखाई हुई है, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस वॉल्यूम की बात करेंगे तो सिर्फ इसने 3 साल में अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन जो रिसेंटली है वहाँ पर काफ़ी कम रिटर्न्स है, यानी रिटर्न्स नहीं है, नेगेटिव है, लॉस है ऑलरेडी। तो और यहाँ पर नेट सेल्स डाउन बता रहा है मार्च का, 7-7.5% तो सेल्स गिरा है, और यहाँ पर 100% की बाइंग बता रहा है, फॉरन यहाँ की जनता जो है वो 100% की बाई का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके फाइनेंशियल दिखा देता हूँ, तो फाइनेंशियल ये कंपनी कैसी है देख लो, तो फिलहाल यहाँ पर रेवेन्यू इसके देख लो किस तरीके के, तो 2018 में जो रिवेन्यू थे फिर 17,000 1700 करोड़, फिर 1700 से 1800 करोड़ हुआ, फिर से 1700 करोड़ हुआ, फिर 1300 करोड़, फिर 1400-1500 करोड़ तक अभी कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया है, तो काफ़ी अच्छे रिवेन्यू है फिलहाल तो साल के हिसाब से। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट देखो
2 साल से प्रॉफिट पहले घट रहा था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद पूरा नेगेटिव चला गया, ये लॉस में चला गया, फिर थोड़ा सा अभी रिकवर हुआ है कंपनी, तो फिलहाल अभी प्रॉफिट आगे से हमको देखने मिलेगा, लेकिन 2 साल इसने कंपनी ने 2-3 साल तो लॉस किया है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में सबसे ज़्यादा शेयर प्रमोटर के पास है, लगभग 51-52% तक तो प्रमोटर के पास है, लेकिन एक खराब चीज़ है कि प्रमोटर ने वो चीज शेयर्स होल्ड रखे, ये प्लेज रखे हैं, प्लेज यानी गिरवी रखे हैं, ठीक है, तो लोन के अगेंस्ट शेयर गिरवी होते हैं, तो उन्होंने गिरवी रखे हुए हैं, और ऊपर से पब्लिक ने भी ये शेयर को काफ़ी खरीदा है, 43.8% तो पब्लिक के पास शेयर है, और फॉरेन के इन्वेस्टर का भी इसमें पैसा लगा हुआ है, 21 फॉरेन के इन्वेस्टर इसका इसमें पैसा लगा के बैठे हैं, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी पैसा है, इंडिया के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर है, जहाँ पर हमने ऊपर नाम देखे, तो उनका भी इसमें इन्वेस्टमेंट है 1.23% का, ठीक है। तो सारी यहाँ पर जो भी मनी कंट्रोल पे डेटा है मैंने तो सारी चीज़ें दिखा दी है, थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ, स्क्रीनर पे जो इसके डेट वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो ये कंपनी के सालों से चल रहे वो भी एक बार दिखा देता हूँ। देखो कंपनी का सेल्स कंटिन्यूसली एक ही रेंज में चल रहा था फिलहाल तो, लेकिन यहाँ पर 2015 के बाद काफ़ी सेल्स बढ़ते गया, लेकिन यहाँ पर फिर से घटना चालू हुआ, ठीक है, 2020 के बाद, और फिलहाल अभी 1500 करोड़ तक का कंपनी सेल कर रही है, लेकिन एक्सपेंसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम के वजह से देखो एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो कंपनी ऑटोमेटिकली लॉस में चली जाती है, फिर देखो मार्जिन कितना मिलता है उनको, 2% का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, यानी काफ़ी ये कम मार्जिन है फिलहाल तो। और अदर इनकम की बात करेंगे तो अदर इनकम के हिसाब से देखो जस्ट अभी 27 करोड़ का अदर इनकम है, और कंपनी को अदर इनकम पे डिपेंड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये कंपनी का नेट, यहाँ पर देखो कंपनी का अदर इनकम में लॉस भी हो चुका था, यानी कहीं का इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पर लॉस हो जाता है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का कंटिन्यूसली 14 करोड़, फिर 41 करोड़, फिर कम हुआ, फिर थोड़ा बढ़ा, मतलब अप एंड डाउन नेट प्रॉफिट में दिखा है, मतलब इसी वजह से शेयर्स भी अप्स एंड डाउन काफ़ी किया है। और यहाँ पर 78 करोड़ का 2020 में कंपनी ने लॉस किया, फिर 228 का लॉस किया, और ये मेन चीज़ लॉस इसके एक्सपेंसेस की वजह से है, और ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम मिलने की वजह से फिलहाल तो कंपनी 9 करोड़ के प्रॉफिट में यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में तो है फिलहाल कंपनी। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में मेन चीज़ मैं आपको बोरोइंग दिखाना चाहूँगा कंपनी पे, देखो 2011 के टाइम पे 450 करोड़ तक का लोन था, फिर उसके बाद थोड़ा लोन बढ़ते गया थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पर 500 करोड़ तक लोन हो गया फिर कंपनी के पास लगभग 2016 में, फिर उसके बाद 550 करोड़, फिर 350 करोड़, यानी लगभग 2017 के बाद कंपनी ने लोन कम करना चालू किया, और कम करते करते फिर से लोन बढ़ गया 2020 में, और फिर से कंपनी का लोन फिर से कम हुआ, और अभी फिलहाल कंपनी पर लोन है 324 करोड़ का, यानी अभी फिलहाल 2-3 साल से तो लोन थोड़ा कम हुआ है, 2 साल से तो लोन कम हुआ है, तो ये एक चीज़ पॉजिटिव चीज़ है। और बाकी यहाँ पर एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, कंपनी के रिटर्न्स और ये कंपनी का प्रॉफिट है वो काफ़ी कम है, लेकिन कंपनी इंटरेस्ट पे करने के बाद जो कुछ बचता है ये चीज़ें हैं, और कंपनी पे लोन कम हो रहा है ये एक चीज़ अच्छी होती है, और बाकी कंपनी ने तो लॉस किया हुआ है एक्सपेंसेस वैसे जैसे मैंने सारी चीज़ें बता दी है, और मेन चीज़ है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है ये सारी चीज़ें आपको देख के ये सारी चीज़ें सोचना चाहिए, फिलहाल तो इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि इसमें से मेरा इन्वेस्टमेंट था तब मैं जितना टाइम लगा, देखो मुझे भी ज़्यादा टाइम लगा, लगभग अगर मैं 2017 में था ये कंपनी के अंदर और मैं 21 में निकलता हूँ, यानी इसका मतलब होता है कि लगभग मुझे 4 साल लगे ये कंपनी के बाहर निकलने के लिए, ठीक है, तो इसी तरीके के होते हैं बहुत सारे शेयर्स, और बीच में काफ़ी लॉस देते लेकिन लोग लॉस में निकल जाते, लेकिन मैं ये कंपनी में प्रॉफिट में निकला हूँ, ये मेरा अचीवमेंट है एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत सारे शेयर्स में ऐसे ही मैंने रिटर्न्स कमाए हैं, और वो वीडियोस मैंने मेरे चैनल पे डाले हुए हैं, तो वो वीडियोस सारे देख सकते हो, और फिलहाल जो भी मेरे अभी पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं उसके बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए हैं कि फिलहाल मैं अभी कौन से शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ, तो वो सभी शेयर्स के बारे में भी मैंने वीडियोस डाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।